असल नादरीन मैं हूँ सलमान शीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ अरेबिक वो भी इराकी अरेबिक अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ वर्ड समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप बोल चाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन वर्ड को ये इराकी अरेबिक है ये गूगल का कोई ट्रांसलेटर यूज़ नहीं हुआ हुआ ये किसी किस्म का कोई हर मुल्क की अपनी अलग अलग ज़बान है ठीक है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस होते हैं और ये मैं आपके लिए खास करके बना रख के आया हूँ अगर आपको ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में लाजमी कर देना है चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको सिखाते हैं इराकी अरेबिक लेसन नंबर वन में हम सीखेंगे ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन यानी सलाम दुआ करना और अपना तारफ करवाना इस वीडियो में हम इराकी अरेबिक को मुकम्मल सीखने वाले हैं आपने ये सारी वीडियो लाजमी देखनी है कहीं से भी आपने स्किप नहीं करनी हम अपना पहला वर्ड सीखेंगे कि हम अगर किसी को अरेबिक में खुश आमदीद कहना चाहते हैं तो हम किस तरह उसको खुश आमदीद कहेंगे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेलकम और अरेबिक में हम इसको बोलेंगे अहलन व सहलन इस वर्ड हमारा है कि हम अगर किसी को अरेबिक में हेलो बोलना चाहते हैं तो हम किस तरह उसको हेलो बोलेंगे हेलो उर्दू में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है और अरेबिक में हम इसको बोलेंगे मरहबा द्वारा बताता चलूँ अरेबिक में हेलो को बोलेंगे मरहबा वर्ड है हमारा अगर हम किसी को अरेबिक में गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं तो हम किस तरह बोलेंगे गुड मॉर्निंग की अरेबिक हैल खैर खैर अगर इसी तरह हम किसी को गुड नाइट बोलना चाहते हैं तो हम किसी को गुड नाइट किस तरह बोलेंगे अरेबिक में गुड नाइट की अरेबिक है तस्बा अल खैर तस्बा अल खैर अगर इसी तरह आप किसी को गुड बाई बोलना हो तो आप अरेबिक में किसी को गुड बाई किस तरह बोलेंगे गुड बाई की अरेबिक है माँसलाम आप इसको माँ सलाम भी बोल सकते हैं गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा अगर अरेबिक में आप किसी का हाल पूछना चाहते हैं तो वो किस तरह पूछेंगे हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाउ आर यू उर्दू में हम इसको बोलते हैं आप कैसे हैं अरेबिक में इसका सिंपल है कि आर यू का मतलब है श्लोनिक आप कैसे हैं अगर तर इसी तरह आपने आगे से बोलना हो कि मैं ठीक हूं आपका शुक्रिया हाल पूछने का आपका क्या हाल है इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन थैंक्स एंड यू इसको अरेबिक में बोलेंगे व इनते का मतलब है यू शुक्रन का मतलब है थैंक्स और आनी जेन का मतलब है आई एम फाइन आनी जेन शुक्रन व इनते इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्रिया आपका आप सुनाओ आपको किसी से ये बोलना है कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई या आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा तो आपको इंग्लिश में उसको बोलेंगे आई एम प्लीज टू मीट यू और अरेबिक में आपको इसका सिंपल है कि तशरफ ना इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्लीज टू मीट यू और अरेबिक में इतना सा लफज है तशरफना तशरफना मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई तशरफना अरेबिक में आपने किसी का नाम पूछना तो वो किस तरह पूछेंगे अगर अरेबिक में आपने किसी का नाम पूछना है तो इंग्लिश में बोलेंगे वट योर नेम और अरेबिक में आप उसको पूछेंगे शस्मिक शमिक बहुत सारे लोग बोलते हैं शिस इनते शिक ये सारे एक ही वर्ड हैं लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो बोलते हैं शसमिक वट योर नेम आपका नाम क्या है शिसमिक मैं ये इसका फुल जो है ना वो कोर्स लेके आऊँगा आप सैलरी के बारे में जितने भी यहाँ पे के जो इस्तेमाल में वर्ड आते हैं मैं उनके बारे में तो टोटली आपको अरेबिक बताने वाला हूँ तो मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस लास्ट कर लेना तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़